हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो से निश्चित रूप से एक या दो प्रश्न आपके आगामी सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। 2021 के स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, उनमें से हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 जीता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे, जिनके चांसेस आपके एग्जाम में आने को सबसे ज़्यादा हैं। ध्यान दीजिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 का खिताब जो है ये जीता है मुंबई ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई ने फाइनल में उत्तर प्रदेश को पराजित करके यह खिताब जीता है। फाइनल मैच का आयोजन 14 मार्च 2021 को अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। और विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। इतनी सारी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने जनवरी से लेकर के जून 2021 तक के टॉप 225 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। इनको दो वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। एक वीडियो में हम लोगों ने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने 125 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। अगर आपने इन वीडियोज को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है कि स्विस ओपन 2021 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है। स्विस ओपन 2021 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जो है कैरोलिना मारिन ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कैरोलिना मारिन जो है ये स्पेन की रहने वाली हैं, और इन्होंने फाइनल में पीवी सिंधु को पराजित करके स्विस ओपन 2021 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला नौका चालक कौन है जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। तो ये भारत की पहली महिला नौका चालक हैं नेत्रा कुमानन, जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो सबसे पहले जान लीजिए फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। देखिए फ्रेंड्स, इसका स्थापना जो है 1904 में की गई थी। कब की गई थी? 1904 में फ्रांस के पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे कहाँ है, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो हैं। और फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी जो है ये संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फीफा पुरुष जो है फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? कतर में किया जाएगा, कतर की राजधानी दोहा में। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फाइव, कि भारत में होने वाली क्रिकेट विश्व कप 2023 के क्वालिफायर मैचों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो क्रिकेट विश्व कप 2023 है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? अपना प्यारा भारत में किया जाएगा। और देखिए, इसका जो क्वालिफायर मैच होता है, मैच से पहले कुछ कंट्रीज होते हैं क्वालिफाई होते हैं वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, तो इन्हीं क्वालिफायर मैचों का जो आयोजन है ये जिम्बाब्वे में किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि 2021 में खेलो इंडिया विंटर राष्ट्रीय गेम्स, जिसको कि हम लोग खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स भी कहते हैं, इसके दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए, ये इसका दूसरा संस्करण था। इसका पहला संस्करण जो था 2020 में आयोजित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, पहला संस्करण इसका 2020 में जो है इसका आयोजित किया गया था, ध्यान दीजिएगा। और अभी जो दूसरा संस्करण का आयोजन जो है ये कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस गेम्स में कश्मीर जो था पदक तालिका यानी कि मेडल जो टेबल है उसमें सबसे टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में कौन भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर जो हैं ये तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि 67वें ग्रैंड मास्टर, तो 67वें ग्रैंड मास्टर जो हैं ये कौन है? लियोन मेंडोका।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। और फ्रेंड्स मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सेशन जब समाप्त होगा तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए पूरे जो 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं, जिसको कि हम लोग लास्ट 6 मंथ या हाफ ईयरली करंट अफेयर्स बोलते हैं, मैं टॉपिक वाइज आपको सभी करंट अफेयर्स कवर करवा दूंगा। इससे काफ़ी आपको मदद मिलेगी आपकी एग्जाम में। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि बीबीसी, ध्यान दीजिएगा, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2020 किसने जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जीत लिया है आंध्र प्रदेश की रहने वाली शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, शतरंज की खिलाड़ी हैं। और ध्यान देंगे फ्रेंड्स 2019 में जो है ये विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 के अंतर्गत स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। यह सबसे जो है सम्मानित स्पोर्ट्स का अवार्ड है और 2021 में लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में स्पोर्ट्स पर्सन मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये राफेल नडाल ने जीता है। अगर वहीं आपसे स्पोर्ट्स वुमेन का पूछा जाता तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में जो है किसने जीता है, नाओमी ओसाका ने जीता है। नाओमी ओसाका एक टेनिस प्लेयर हैं और ये जापान की रहने वाली हैं। राफेल नडाल को आपको आप लोग जानते हैं, ये स्पेन के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 कि ISSF विश्व कप 2021 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है ISSF विश्व कप 2021, इसका आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है, अभी क्रोएशिया में किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे कहाँ किया जा रहा है, क्रोएशिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। देखिए अभी जो है इससे पहले जनवरी फरवरी में शायद इसका आयोजन जो है ISSF विश्व कप 2020 का आयोजन इसी साल 2021 में किया गया था नई दिल्ली में। दरअसल इसका आयोजन जो था 2020 वाला का 2020 में ही होना था, इसका आयोजन कोरोना के चलते नहीं हुआ था, इसलिए 2021 में जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। और ये जो है 2021 का जो संस्करण था, इसका आयोजन कहाँ अब किया गया है, क्रोएशिया में। तो ध्यान रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए इसमें जो है 2021 में 10 मीटर पुरुषों की एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में सौरभ चौधरी ने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और अभी जो है कुछ दिन पहले 25 मीटर महिला प्रतियोगिता में राही सरनोबत ने, किसने, राही सरनोबत ने स्वर्ण पदक जीता है ठीक है, राही सरनोबत ने स्वर्ण पदक जीता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, क्लियर है। चलिए और दिल्ली में जो हुआ था ISSF विश्व कप 2021, इसमें जो है मेडल लिस्ट में भारत प्रथम स्थान पर रहा था ठीक है, भारत जो है प्रथम स्थान पर रहा था टोटल 30 पदक जीत करके दिल्ली वाले में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा और ISSF का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा कि फॉर्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है। तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो है ये किसने जीता है, तो फ्रेंड्स ये जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन जो है ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ग्रैंड प्रिक्स जो है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021, इसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है, ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। और फ्रेंड्स ये जो है बेल्जियम के रहने वाले हैं। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब, इसको भी लुइस हैमिल्टन ने ही जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं ये विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा कि हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे ये क्रिकेट से संबंधित है। और फ्रेंड्स 2020-21 का खिताब जो है तमिलनाडु ने जीता है बड़ौदा को हरा करके। उसके बाद देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन सा स्पोर्ट्स जो है शामिल किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो होगा 2021, ये इसका चौथा संस्करण होगा, इसका आयोजन हरियाणा और दिल्ली में किया जाएगा ठीक है। इससे पहले जो है तीसरा संस्करण का आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया था, क्लियर है। और इसमें जो है 2021 में योगासन को जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये साल का पहला टेनिस ओपन टूर्नामेंट है और इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर पूछा जाता इसमें पुरुष एकल का खिताब, तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा,
कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो अभी मैंने आपको बताया है ये नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न देखिए कि फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल का भी खिताब नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि फ्रेंच ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो महिला एकल का खिताब बारबरा क्रेजिको ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये चेक गणराज्य क्रेंच रिपब्लिक की रहने वाली हैं, ठीक है, चेक गणराज्य की रहने वाली हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सीजन 2021 इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का टाइटल प्रायोजक कौन सी कंपनी बनी है। देखिए फ्रेंड्स 2020 में ड्रीम इलेवन थी, लेकिन 2021 में पुनः जो है वीवो इसकी प्रायोजक कंपनी रही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वीवो ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है ये उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जा रहा है और इसका नाम रखा जाएगा बिरसा मुंडा के नाम पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में जो है हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, भारत में ही किया जाएगा, उड़ीसा में, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 21 नंबर देखिए कि हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं। पहले आप बताइए कि भारतीय पुरुष टीम के कोच कौन है अभी वर्तमान में, जरा उनका नाम आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और देखिए नए कोच जो बन गए हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के, ये रमेश पवार बन गए हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रमेश पवार। 22 नंबर देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने की घोषणा की है। देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पूछा जा रहा है, इसका पहला संस्करण उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था और ये दूसरा संस्करण जो होगा इसका आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जैन यूनिवर्सिटी जो है इसका आयोजक यूनिवर्सिटी होगा, जैन यूनिवर्सिटी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा 23 नंबर कि हाल ही में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली जो है भारत की महिला तलवारबाज कौन बनी है। अभी हमने देखा था कि पहली नौका चालक कौन बनी है, तो नेत्रा कुमानन। अब यहाँ पर मिल गया आपको प्रश्न की क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन बनी है, तो ये बन गई हैं भवानी देवी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किसने 68वां बार्सिलोना ओपन 2021 जीता है। 68वां बार्सिलोना ओपन 2021 किसने जीता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसने जीत लिया है, राफेल नडाल ने जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। देखिए वर्ष 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अभी 2020 वाला 21 में होगा, कहाँ होगा, जापान में होगा, क्लियर। उसके बाद 2024 वाला कहाँ होगा, फ्रांस में होगा। 2028 में यूएसए में होगा और 2032 में जो है इसका आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो चीन में। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन जो है कहाँ होगा, इटली में होगा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर फ्रेंड्स कि हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए फ्रेंड्स एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है इसकी स्थापना 1983 में की गई थी, ध्यान रखेंगे, और इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अमित शाह के सुपुत्र जय शाह, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जय शाह जो है वर्तमान में BCCI के क्या हैं, सचिव भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2021 में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में जो है 10 खिलाड़ियों को इस बार शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें से एक भारतीय खिलाड़ी भी हैं, इनका नाम विनू माकंड है। देखिए इससे पहले विनू माकंड क्रिकेट से संबंधित हैं, इससे पहले जो है ऑलरेडी ये क्रिकेट का ही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इससे पहले भारत के विशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और विनू माकंड जो हैं ये सातवें भारतीय बन गए हैं क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले, 2021 में इन्हें शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन जो है ये कहाँ किया जाएगा फ्रेंड्स, तो 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा अपने देश भारत में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब ये महिला है, जरा पुरुष वाला भी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप, इसका आयोजन 2023 में किया जाएगा,
कहाँ, तो पेरू में किया जाएगा। अब देखिए फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किया जाएगा कोस्टा रिका में, और फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप का आयोजन 2023 में इंडोनेशिया में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट आप चाहें तो इसका ले सकते हैं। उसके बाद देखिए 29 नंबर, IOC के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए किसे एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है? IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्थापना 1894, हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये जो है इसके बिलीव इन स्पोर्ट्स के एम्बेसडर बने हैं PV सिंधु और मिशेल ली, यानी कि ए और बी दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स ये रखा गया है बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस क्रिकेटर को जनवरी 2021 के लिए प्रथम ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखिए ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यह निर्णय लिया है कि जो अब हर मंथ वाइज जो है प्लेयर का अवार्ड किया जाएगा, तो मेंस में भी दिया जाएगा और फीमेल में भी दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का ये पहला अवार्ड जब से स्टार्ट हुआ ना, इसका पहला अवार्ड जो है ये भारत के, अगर पुरुष में पूछा जाए तो ऋषभ पंत को दिया गया है। वहीं अगर पूछा जाए कि ICC प्रथम ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये सबनीम इस्माइल को दिया गया। ये साउथ अफ्रीका की हैं, सबनीम इस्माइल, नाम ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हर मंथ में अब ये अवार्ड दिया जाएगा, तो हर मंथ का इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आपके लिए, केवल आप पहला याद रखिएगा। देखिए हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष जो है ये अजय सिंह को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सेशन जब हमारा समाप्त होगा तो इसे जरूर किसी भी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जहाँ भी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जहाँ स्टडी से रिलेटेड कंटेंट आते हैं उस ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए हाल ही में हुई इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 की नीलामी में जो ऑक्शन हुआ था उसका, उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे थे? तो इस बार सबसे महंगे खिलाड़ी जो रहे थे ये कौन रहे थे? ये रहे थे फ्रेंड्स कौन? क्रिस मॉरिस जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के हरफन मौला ऑलराउंडर हैं। और देखिए फ्रेंड्स इनको खरीदा किसने था? तो राजस्थान रॉयल्स ने इनको 16.25 करोड़ में खरीदा था, ठीक है, 16.25 करोड़ में खरीदा था, यानी कि 16.25 करोड़ में खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, किस भारतीय महिला पहलवान ने, यहाँ ने बना लीजिएगा, रोम में आयोजित मार्टियो पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए यह जो प्रतियोगिता हुआ था ना, इसमें भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल जो है इसमें से 5, 2, 7, 1, 8 पदक जीते हैं। देख लीजिए 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। 2 स्वर्ण पदक में यहाँ 1 स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 1 स्वर्ण पदक जो है आप ध्यान देंगे 53 किलोग्राम में किसने जीता है? विनेश फोगाट ने जीता है, जो कि आपसे प्रश्न में पूछा गया है। उसके बाद 65 किलोग्राम में 1 स्वर्ण पदक और किसने जीता है? बजरंग पुनिया ने जीता है, ठीक है। तो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने जो है ये मार्टियो पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता जिसका आयोजन के रोम में किया गया था, इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत टोटल 8 पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 35 नंबर देखते हैं, किस देश में आयोजित होने वाली एशिया कप 2021 को स्थगित कर दिया गया है? तो ये जो एशिया कप होना था ये श्रीलंका में आयोजित होना था, लेकिन अब कोरोना के चलते जो है इसको स्थगित कर दिया गया है, श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश नॉर्थ कोरिया बन गया है, उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, AIBA युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में जो है भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो फ्रेंड्स टोटल जो है इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? टोटल भारत ने 11 पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 जो है इसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता है और 3 जो है कांस्य पदक जीता है, इसमें रजत पदक भारत ने नहीं जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? कैसले पोलैंड में किया गया था, ठीक है, कैसले पोलैंड में किया गया था, और भारत जो है इसमें इस प्रतियोगिता में शीर्ष पर रहा है, यानी टॉप पर रहा है, टोटल 11 मेडल जीत करके, 8 स्वर्ण पदक और 3 जो है कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा था? देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? अल्माटी कजाकिस्तान में, और भारत जो है पदक तालिका में 3रे स्थान पर रहा था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत जो है टोटल कितना पदक जीता था?
तो ध्यान रखिएगा भारत टोटल 14 पदक जीत करके तीसरे स्थान पर रहा था। देखिए फ्रेंड्स ईरान, ठीक है, ईरान और कजाकिस्तान जहाँ कि इसका आयोजन किया गया था, ईरान और कजाकिस्तान ये दोनों जो थे संयुक्त रूप से 17 मेडल जीत करके, 7 स्वर्ण 5 रजत और 5 जो है कांस्य, दोनों ने 17 पदक जीते थे एकदम बराबर बराबर। गोल्ड भी इसने इतना ही जीता था, रजत भी इतना ही और कांस्य भी इतना ही, ये दोनों जो है संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे थे, ठीक है। और भारत 14 पदक जीत करके अब तो दो स्थान रिक्त हो गया, भर गया, तो ये तीसरा स्थान भारत को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर की, हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपना सबसे छोटा स्कोर किस देश के खिलाफ बनाया है? तो सबसे छोटा स्कोर जो है ये किस देश के खिलाफ बनाया है फ्रेंड्स, ये बनाया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। ध्यान रखेंगे किसके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैड्रिड ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मैड्रिड ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स इसको जीता है अलेक्जेंडर ज्यूरो ने। अलेक्जेंडर ज्यूरो कहाँ के हैं? तो ये जर्मनी के हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने फाइनल में किसको हराया था? इन्होंने फाइनल में मार्टियो बेरेंटी को हराया था। किसने? मार्टियो बेरेंटी को हराया था, ये इटली के रहने वाले हैं, क्लियर, ध्यान रखेंगे। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मैड्रिड ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता था, तो ये आर्याना सबलेंका ने जीता था। किसने जीता था? आर्याना सबलेंका ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है कि मियामी ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मियामी ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जो है एसले बार्टी ने जीता है। एसले बार्टी कहाँ की हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, ठीक है। कहाँ की रहने वाली हैं फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, ध्यान दीजिएगा। वहीं पुरुष एकल का खिताब मियामी ओपन 2021 में किसने जीता है? तो हार्बर्ट हर्कज ने जीता है। हार्बर्ट हर्कज जो हैं ये पोलैंड के रहने वाले हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 42 नंबर है कि निम्न में से कौन सा देश फुटबॉल टूर्नामेंट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स ये जो मेजबानी करेगा अपना देश भारत करेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर देखिए कि WWE ने किस भारतीय पहलवान को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE, तो हॉल ऑफ फेम में द ग्रेट खली को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये रेसलिंग का हॉल ऑफ द फेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 44 नंबर कि निम्न में से कौन सा देश 2022 में होने वाले महिला रग्बी विश्व कप की मेजबानी करेगा? दरअसल 2021 में ही आयोजन किया जाना था इसका और अब नहीं हो पाएगा कोरोना के चलते, कि 2022 में इसका आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? न्यूजीलैंड में किया जाएगा। ध्यान देंगे ये महिला रग्बी विश्व कप 2022 होगा और पुरुष रग्बी विश्व कप या सिर्फ रग्बी विश्व कप पूछा जाए तो 2023 में इसका आयोजन फ्रांस में किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? देखिए पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन मिस्र में किया गया था, हिंदी अंग्रेजी में इजिप्ट कहा जाता है मिस्र को, आपको पता है। और इसमें जीता किसने है यह खिताब? तो ये जीता है किसने फ्रेंड्स? डेनमार्क ने। डेनमार्क ने किसको हराया था? तो डेनमार्क ने स्वीडन को हराया था, ठीक है। स्वीडन दूसरे स्थान पर है यानी कि रनर अप रहा है और डेनमार्क पहले स्थान पर यानी कि विनर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 46 नंबर कि निम्नलिखित में से किससे ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की टोक्यो आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स 7 बार ओलंपियन रही जापान की पूर्व ओलंपिक मंत्री सिको हाशिमोतो को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जापान की हैं सिको हाशिमोतो। 47 नंबर है कि हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सिद्धांत सिंह लोंगजाम को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 48 नंबर देख लीजिएगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किसने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच का ट्रॉफी होता है और इसमें भारत ने जीता है, ध्यान रखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष थॉमस बाक बन गए हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए अभी 2018 में कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के पालमवंग और जकांता में हुआ था। 2022 में चीन में होगा, ठीक है, 2026 में जापान में होगा, 2030 में जो होगा ये कहाँ होगा फ्रेंड्स? तो ये दोहा में होगा, ठीक है, कतर दोहा में, और 2034 वाला रियाद में होगा। रियाद कहाँ है? सऊदी अरब में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका फ्रेंड्स आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, किसी भी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।